बुंदेलखंड का एकमात्र मेडिकल कॉलेज कोरोना महामारी से लोगों को ठीक करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की अव्यवस्थाओं की चर्चा मीडिया की सुर्खियाँ बनती है। अभी पिछले महीने ही यहाँ पर ऑक्सीजन और दवाई न मिलने के भी आरोप लगे थे। डॉक्टर और नर्स के ऊपर मरीजों की अच्छी देखभाल न करना और ना ही समय पर दवा देने के भी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि मरीजों के मौत का जिम्मेदार भी ठहराया गया है। ये देखिए, ये किस तरह मारा जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा पेशेंटों की हत्या की जा रही है। हम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये अस्पताल बड़ा है, यहाँ डॉक्टरों के नंबर दिए गए हैं, प्रशासन के नंबर दिए गए हैं, लेकिन उस पर अगर कॉल किया जाए तो कोई कॉल रिसीव नहीं होती। मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। ये स्थिति है अस्पतालों की। ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे बम है। हम माफ करें, हम थोड़ा अश्लील दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, इसलिए हम आज अभद्रता करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए, ये कोविड के पेशेंट हैं, ये इनकी स्थिति देखिए, कोई देखने वाला, ये गंदगी देखिए। ये देखो, ये महिला पानी पिला रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आज आप चुप बैठे तो यकीन मानो एक दिन आपकी भी स्थिति ऐसी होगी। शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। कमरा दिखाओ, इसीलिए इनके कमरे में कोई पेशेंट नहीं जा रहा। देखिए इनकी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर के काफी भ्रांतियां फैली हुई है। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंच गए बांदा के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश यादव के पास। तो देखते हैं उनसे मुलाकात के कुछ खास अंश। जैसे आपने बताया जी कि बहुत मतलब हो हल्ला और बहुत मारपीट और ये सब, तो ये सब कैसे हुआ था और क्यों हुआ था इसका? तो उसका कारण वही था कि जिसका भी देखिए डेथ हो जाती है तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन यही होता है, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से शायद हम लोग नहीं कर पाए। उनको लगता है कि प्राइवेट बेड की तरह डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं तो ज़्यादा डॉक्टर होने चाहिए, ज़्यादा नर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन तुरंत मिलनी चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए। हमारे पास स्वीपर गिने चुने थे, हमारे पास वार्ड बॉय गिने चुने थे, सिलेंडर इतने भारी भारी हैं, और ऊपर मरीज मारी जो तीसरे फ्लोर पर है, ट्रक नीचे खड़ा हुआ ऑक्सीजन का, वहाँ से ले जाने में टाइम लगेगा, तो उस समय ना तो वार्ड बॉय वहाँ होगा, वो तो सिलेंडर लेके जा रहा। अब एक गया, 10 लोगों ने छीनना शुरू कर दिया। डॉक्टर थे, एक मरीज को देखने जा रहा है, वो पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारे मरीज को देखो। तो ज़्यादा मरीज एकदम से आने की वजह से और कम हमारा स्टाफ होने की वजह से अव्यवस्था हुई, और जब डेथ हो गई तो उन्होंने सारा ब्लेम हमारे डॉक्टरों और नर्सों पे डाल दिया, जिस वजह से उन्होंने मारपीट एक दो केसेस में हुई, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की। और ये यहाँ नहीं, ये हर जगह हो रहा है। अभी सुधर गई है, क्योंकि हमें पुलिस फोर्स भी मिल गई है, हम लोग सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रहे हैं, हर मेडिकल कॉलेज को मिली हुई है, हम लोगों को भी मिलनी चाहिए, जिसके क्योंकि उनके प्रेजेंट से कम थोड़ा सा डर का माहौल रहता है। और कुछ लोग निगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, जिनको हमेशा निगेटिव बोलना है, वो ये भूल जाते हैं कि ये दुख का टाइम है और हम सबको मिल के जो भी चीज़ें उसी से सबकी जान बचानी है। तो कुछ लोगों ने जैसे मुझे कहा कि आप भगवान हो, मैं वही हूँ, और कुछ कहते हैं आप यमराज हो, तो मैं दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता हूँ ना। तो ये लोगों की सोच क्या है, क्या उन्होंने देखा कि मैं पिछली बार बीमार हुआ था, क्या उन्होंने देखा मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, क्या हमारे जो डॉक्टर हैं उनके 3 लोगों की डेथ हुई है, एक के फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, अभी 2-3 भर्ती हैं। तो हम लोगों ने भी तो अपने लोगों को खोया, फिर भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। अब कितने डॉक्टर ड्यूटी पे छुट्टी मांग रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों को, छोटे बच्चे हैं, तो वो भी हम लोग नहीं दे रहे। तो ये जब तक पब्लिक हम लोग के दर्द को नहीं समझेगी, हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, तब तक शायद हम उनको उतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं दे पाएंगे। जो लोग कोविड पेशेंट के साथ मतलब पॉजिटिव के साथ लगे हुए हैं, फिर उनको अपने लिए किस तरह से हम लोग, एक तो उनको कि अपनी सुरक्षा रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना संभव है, पर मरीज के पास जाके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस समय है गर्मी, और उसमें पीपीई किट पहन के कोई भी आम आदमी 1 घंटे से 2 घंटे नहीं रह सकता, कि पसीने से नहा जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, गिर जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पूरे अस्पताल में एसी नहीं लगा हुआ है, कुछ जगहों पर है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको मोटिवेट हर समय करते रहना, उनकी जांचें बीच बीच में कराते रहना, जरा भी हो तो तुरंत हम उनको या तो भर्ती कर देते हैं या कहते हैं कमरे पर रेस्ट करो जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, जब रिपोर्ट आ जाती है तो उनका इलाज करके उनको मोटिवेट किया जा रहा है। डीएम साहब भी देखिए रोज़ आ रहे हैं, वो भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग हिम्मत से काम लो, हम लोग साथ में हैं।
तो सबको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और जब तक ये दूसरों की सेवा की भावना नहीं होगी तब तक शायद ये संभव नहीं हो पाता। मंडल स्तर का ये मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर चारों जिलों को संभालने में किस तरह की चुनौतियाँ हैं आपके? एक तो यही कि अशिक्षा का अभाव है, हर मरीज को पता चल गया है कि साहब वेंटिलेटर कोई चीज़ होती है तो कहता हमें वेंटिलेटर चाहिए, हर मरीज़ को लगता है कि ऑक्सीजन तो कहता हमें ऑक्सीजन चाहिए, चाहे उसे चाहिए या ना चाहिए या कितनी चाहिए, हर एक मरीज को आईसीयू बेड चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गलत चली गई है ना, उससे हमको दिक्कत ये हो रही है कि शुरू में मरीजों ने घुसा है, हमारे पास उतना स्टाफ नहीं था, सिक्योरिटी भी नहीं थी इलेक्शन की वजह से, तो वो इस सिलेंडर उठा ले गए, जिनको नहीं चाहिए उन्होंने तीन तीन चार चार सिलेंडर अपने कमरे में रख लिए, हम नहीं कंट्रोल कर पाए, हमारे डॉक्टरों के नर्सों के साथ मारपीट भी की दो तीन बार, तो अभी सिक्योरिटी भी आ गई है। तो जब तक ये डर जो हमें लगा ना, एक तो मोरल वैल्यू जो हम लोगों की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में ही सोचना है, जब हम ये सोचेंगे तो शायद हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। और दवाइयों का जैसे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग, ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको सबने जो पैसे वाले थे उन्होंने सोचा हम अपने रख लें जब ज़रूरत होगी, तो जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिली। अभी देखिए रेट पड़ रही है, वहाँ पे सिलेंडर भी रिकवर हो रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रिकवर हो रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल रहा है। तो ये सिर्फ जो एक पैनिक क्रिएट हुआ ना लोगों में डर, उस वजह से व्यवस्था को थोड़ा सा झटका लगा, जो अब हम लोग ठीक कर रहे हैं। हम लोगों को देखिए अपना ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो गया है, 25 तारीख तक हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, हमने और सिलेंडर ले लिए हैं, ऑक्सीजन की जहां से हम ला रहे थे वहां से सप्लाई और बढ़ गई है, अब हमें 300 सिलेंडर आराम से मिल पा रहे हैं, तो मरीज़ों को हम दे पा रहे हैं। तो सर रोज कितनी ज़रूरत होती है यहाँ पर? अभी तक 250 से 300 सिलेंडर की थी जितने मरीज़ आ रहे थे, पर अगर मान लीजिए 400 बेड हमारे भर जाते हैं, सारे मरीज आ जाते हैं, तो हमें शायद और ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इसीलिए सरकार ने कोर्ट के निर्देश पे इन चीज़ों को और बढ़ाने की दिए हैं आदेश, और हम लोग उसको कर रहे हैं। सर एक और जानकारी के तौर पे कि किनको वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए? मान लो कि किसी को थायराइड है, किडनी में प्रॉब्लम है, पहले से गुर्दे में प्रॉब्लम, देखिए जब वो पहले तो वो वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार हों तो जिस सेंटर पे जाएंगे वहाँ उनकी जांच होती है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये परेशानियाँ हैं कि नहीं है, अगर वो परेशानियाँ तो उनको वैसे ही वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, ये नहीं है कि सबको लगा दिया जाएगा, और बहुत कम बीमारियां हैं जिनमें नहीं लगना है। कुछ आप बता सकते हैं दर्शकों की? जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हार्ट से संबंधित हैं, दिल से संबंधित हैं, कुछ ऐसी हैं जो दवाइयां चल रही हैं मरीज को जिससे कि खून पतला होता है, थक्का ना बने, पर ये ग्रामीण क्षेत्र पर तो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, ये बीमारियाँ ज़्यादातर पैसे वालों को होती हैं और उन्हीं को दवा चलती है, गरीब आदमी तो दवा ले ही नहीं रहा, तो उनको तो कोई वो है ही नहीं, उनको तो सबको लगवाना चाहिए। तो ये जागरूकता ज़रूरी है कि आपको सबको लगवानी है, पर जहाँ लगवाने आएंगे वो खुद देखेंगे एक बार, पूछेंगे आपसे, और तब उसके बाद वैक्सीनेशन होगा। आप देखा होगा पोलियो, पल्स पोलियो था, इससे बड़ा प्रोग्राम था, घर घर जाके दिया गया और सक्सेसफुल हुआ, आज पोलियो हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो गया है, स्मॉल पॉक्स हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो गया है। तो ये WHO वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं सबके लिए ये प्रूव किया गया रिसर्च से कि वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है जो इस तरह की बीमारियों से बचाव कर सकता है। सर ये संदेश किस तरह का आप देना चाहेंगे? हर एक को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, हर एक को, और अभी तो 18 साल से ऊपर कर दिया गया, छोटे बच्चों का भी चल रहा है, तो उससे क्योंकि इससे जीत तभी होगी जब चेन को हम ब्रेक करें, अगर एक से दूसरे को फैलता रहा, दूसरे से तीसरे को फैला, तो हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे और रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो जागरूकता का बहुत ज़रूरत है, और जागरूकता तो देखिए या तो मीडिया के थ्रू होती है या जो वहाँ के उनके भी तो कोई नेता होंगे ना, पहले उनको शिक्षित किया जाए, फिर वो अपने घर वालों को शिक्षित करें, तब संभव है कि हम शायद इसको कंट्रोल करने में सक्षम हो पाए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।